वेलकम बैक। आज अपन बात करने वाले हैं अपर बॉडी के बारे में। आप लोग कैसे अपनी अपर बॉडी को तेजी से ट्रेन कर सकते हो। आपको पता होगा हमारे पूरे शरीर में अपर बॉडी का सबसे बड़ा रोल हुआ करता है, बिकॉज अगर किसी इंसान की अपर बॉडी नहीं ट्रेन हो पाती तो उसको बेहतर लुक नहीं मिल पाता, इसके साथ साथ ही उसकी पर्सनैलिटी बेहतर भी नहीं बन पाती। इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहा करती है अपर बॉडी को ट्रेन करना, और इसी के चलते आज की यह वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज बताई जाएंगी जो कि आपके सीनों को ट्रेन करने वाली, आपके बैक के लिए बेनिफिशियल होंगी, आपके एब्स ट्रेन होंगे, इसके साथ साथ ही आपके आर्म्स बिल्ड होने वाले हैं, शोल्डर आपके मजबूत हो जाएंगे और आपके बाइसेप्स पे लोड आएगा जो कि आपके अच्छे खासे डोले शोले बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। इसीलिए बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है एक्सटेंडेड फ्लैंक अप। इस एक्सरसाइज में आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आपको पुशअप की पोजीशन में आ जाना है, उसके बाद आपके हाथ सामने की ओर आ जाएंगे, फिर आपको अपने हाथों पे जोर देते हुए धीरे से ऊपर की ओर जाना है, फिर आराम से नीचे की ओर आ जाना है। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग ऊपर की ओर जाओगे तो थोड़ा सा आप लोग ऊपर ही होल्ड कीजिएगा, देन आपको आराम से नीचे आना है। काफ़ी लोग बहुत ही स्पीड के साथ किया करते हैं तो ये गलती आप मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आपने स्पीड के साथ किया तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड में ऊपर जाइएगा और एक नॉर्मल स्पीड से आप लोग नीचे आ जाइएगा। इस प्रकार से आपका एक रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसके टोटल रखने हैं 12 रेपिटेशंस और 4 सेट। आ जाएंगे इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे, इसका नाम है आर्मी प्लैंक क्रॉल्स। जैसा कि आप लोग इस एक्सरसाइज में देख सकते हो आपकी बॉडी आगे और पीछे मूव होगी। सबसे पहले तो आपको लोगों को लेट जाना है, उसके बाद हाथों की मदद से और पैरों की मदद से आपको क्रॉल होना है, यानी कि पीछे की ओर मूव होना है, देन आपको आगे की ओर मूव होना है। किस प्रकार से करना है आप लोग वीडियो में देख सकते हो, बॉडी पोस्चर अच्छे समझ लीजिएगा और आपके हाथ और पैर की पोजीशन किस प्रकार से रहेगी, आपके हाथ और पैर कैसे मूव होंगे आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। इस प्रकार से आपको 5 बार आगे जाना है और 5 बार पीछे आना है, यानी कि टोटल रहेंगे आपके 5 रेपिटेशंस और 4 सेट। इसके बाद आ जाएगी तीसरी एक्सरसाइज, नाम है इसका शोल्डर रोटेशन। आप लोग नाम से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स के लिए रहेगी। सिर्फ आपके हाथ रोटेट होते रहेंगे, दाएं बाएं मूव होते रहेंगे जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, और आपके शोल्डर्स तेज़ी से ट्रेन होने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में भी आप लोग को सेम रूल फॉलो करना है, एकदम नॉर्मली एकदम आराम से अपने हाथों को मूव कीजिएगा, ज़्यादा स्पीड से मत कीजिएगा वरना आपको मसल पेन या फिर जॉइंट पेन हो सकता है। टोटल आपको इसके करने हैं 12 रेपिटेशंस और 4 सेट। इसके बाद आ जाएगी फोर्थ एक्सरसाइज, इसका नाम है कोबरा स्ट्रेच। जिस प्रकार से कोबरा अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाता है उसी प्रकार सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधा लेट जाना है, देन आपकी जो अपर बॉडी रहा करती आपके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसे आराम से ऊपर की ओर लेकर जाना है, और जब आप लोग बिल्कुल ऊपर लेकर पहुंच जाओगे कम से कम 1 से 2 सेकंड तक वहीं पे होल्ड कीजिएगा, देन आपको आराम से नीचे की ओर आ जाना है। इस प्रकार से आप लोग जब एक बार ऊपर जाओगे और एक बार नीचे आ जाओगे आपका एक रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपको इसके करने हैं 12 रेपिटेशन और 4 सेट। एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप लोग ऊपर जाओगे तो आपको धीरे धीरे से सांस अंदर लेते जाना है और फिर थोड़ी देर सांस को होल्ड रखिएगा, देन जब आप लोग नीचे आओगे तो आराम से सांस को छोड़ दीजिएगा। आ जाएंगे फिफ्थ एक्सरसाइज पे, इसका नाम है रियर डेल्ट रेसेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वैसे आपको यहाँ पर डंबल की आवश्यकता है, बट अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप लोग कोई से भी इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बॉटल है या फिर ईट है। बट अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग बिना इक्विपमेंट के अपने हाथों को स्ट्रेच कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से हाथों को स्ट्रेच कीजिएगा ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता जाए। टोटल इसके रखने हैं 15 रेपिटेशंस और 4 सेट। अब इसके बाद बारी आ जाएगी कुछ मोर इफेक्टिव एक्सरसाइजेस की जो कि आपकी बॉडी को तेजी से ट्रेन करने वाली हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पे आ जाएगी पुशअप। काफ़ी लोग पुशअप लगाते होंगे, बहुत से लोग रॉन्ग पोजीशन में पुशअप किया करते हैं जिससे उनको पेन हुआ करता है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता है, मसल पेन हुआ करता है, और बहुत ही कम लोग ऐसे रहा करते हैं जो कि सही पोस्चर से पुशअप किया करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका पोस्चर समझ लीजिए, पहले तो आपको सीधे लेट जाना है, हाथों को पोजीशन में ले आना है, देन पुशअप लगाते वक्त सबसे पहली चीज़ आपका चेस्ट और आपका कोर, इसके साथ साथ ही आपका हिप,
ये तीन चीजें टाइट होनी चाहिए, ढीली मत रखिएगा। और जब भी आप लोग पुशअप लगाओगे तो बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है। काफी लोगों की बॉडी लूज हो जाती है जो कि रॉन्ग पोस्चर में आया करता है, इसीलिए बॉडी को टाइट रखना है, आराम से पुशअप आपको लगाना है। और पुशअप लगाते वक्त आपको सामने देखना है, जब भी आप लोग नीचे आओगे सीने को थोड़ा सा जमीन के पास ले जाना है, देन पूरी बॉडी को आपको ऊपर ले जाना है। काफी लोगों के हाथ बाहर साइड जाया करते हैं पुशअप लगाते वक्त, तो आपके हाथ बाहर की ओर ना जाकर पीछे की ओर बेंड होने चाहिए, इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। टोटल आपको पुशअप के लगाने हैं 15 रेपिटेशन और 4 सेट। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, इसका नाम है चेस्ट स्क्वीज। ये बेनिफिशियल हुआ करती है आपके सीने के लिए। कैसे करना आप लोग वीडियो में देख सकते हो, इक्विपमेंट का यूज़ भी कर सकते हो या फिर बिना इक्विपमेंट के भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। टोटल इसके करने हैं 12 रेपिटेशन और 4 सेट। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, इसका नाम है पाइक पुशअप। इस एक्सरसाइज का मेन काम हुआ करता है आपके शोल्डर्स को ट्रेन करना, उसके साथ साथ ही आपके सीने पे भी थोड़ा सा इफेक्ट जाया करता है। सबसे पहले आपकी बॉडी वी शेप में आ जाएगी जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, देन आपको पुशअप लगाना है। पुशअप लगाते वक्त आप लोग नोटिस करोगे आपके शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा जोर आएगा, और अगर आपके शोल्डर्स पे जोर नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपके शोल्डर नहीं ट्रेन हो पा रहे या फिर आपका बॉडी पोस्चर रॉन्ग है, तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल इसके आपको करने हैं 15 रेपिटेशन और 4 सेट। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नाम है इसका बैक एक्सटेंशन टॉवल। इस एक्सरसाइज से मेन बेनिफिट हुआ करता है आपके बैक को, जो आपकी वर्टेब्रा हुआ करती है और जो आपकी पीठ हुआ करती है वो तेजी से ट्रेन हुआ करती है। आपको सिंपल सा एक टॉवल लेना है या फिर कोई सी भी लंबी चीज़ जो कि थोड़ा सा हार्ड हो, आप लोग उसको आसानी से होल्ड कर सको, ज़्यादा भार भी ना हो, उसको लेना है, लेट जाना है, फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कैसे करना आप लोग वीडियो में आसानी से देख ही सकते हो। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, इसका नाम है सिट अप्स। सिट अप एक्सरसाइज हुआ करती है आपके एब्स के लिए, आपके एब्स को काफ़ी तेज़ी से ट्रेन किया करते, और अगर आपके पेट में मोटापा है या फिर आपकी चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो वो तेज़ी से घटने लग जाती है, और आपका पेट जो आपकी बेली है धीरे धीरे से एक शेप में आने लग जाती है और आपके सिक्स पैक बन जाते हैं, आपके एब्स बन जाते हैं। इसके आपको टोटल करने हैं 15 रेपिटेशन और 4 सेट। यहाँ पे सारी एक्सरसाइज खत्म होती है, एंड में आप लोग 10 से 15 पुशअप कर सकते हो। इसके साथ साथ ही आप लोग बॉडी स्ट्रेच भी लास्ट में कर सकते हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बस कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।